काशी का नाम दिया। कालांतर में गंगा नदी के तट पर बसी इस काशी नगरी में समय समय पर अनेकों घाट विकसित हुए, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे। माना तो यह भी जाता है कि यह नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहां पीपल, आम, बगत, शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषियों ने साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है, उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव एवं मां पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। तब मां पार्वती को यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा हुई, तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदियों से इस पवित्र नगरी ने अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय